और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर को भारत से डिपोर्ट किया जा सकता है, यानी कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई। क्योंकि यूपी एटीएस की जांच के दौरान ये बात सामने आई कि सीमा हैदर ने भारत आने से पहले 5 पासपोर्ट बनवाए, लेकिन उनके पास भारत में रहने का वीजा नहीं है। वो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से नेपाल होते हुए अवैध तरीके से भारत पहुंची। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की जासूस हो सकती है, इसलिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर सीमा हैदर जासूसी के आरोपों से बच निकलती हैं, फिर भी उन्हें भारत में अवैध तरीके से घुसने की वजह से पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, यानी दिल्ली वालों पर अभी बाढ़ का खतरा टला नहीं। क्योंकि यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। यमुना में पानी बढ़ने के बाद सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लोगों को कोई दिक्कत न हो इसीलिए उन्हें राहत शिविरों में रखा गया, जहां लोगों को उम्मीद थी कि जल्द यमुना का जलस्तर कम होगा और वो अपने घर लौट पाएंगे। लेकिन जब एक बार फिर नदी में उफान आया तो लोगों के हौसले टूट गए। हालांकि इससे पहले यमुना का जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ था, जिसके बाद दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब एक बार फिर नदी खतरे के निशान को पार कर गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी में आई बाढ़ डराने लगी। नदी में पानी बढ़ने की वजह से कुछ लोगों के घर नदी में समा गए, जबकि किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बाढ़ के कहर बरपाने का एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मकान नदी में ढहता दिखाई दिया। सामने आए वीडियो में वो मकान किसी ताश के पत्ते की तरह नदी में ढहता नजर आया। नदी में बाढ़ आने से उस मकान की दीवारें कमजोर हो गई, जिसकी वजह से मकान ही ढह गया। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त मकान पानी में समाया उसके अंदर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मकान के गिरने के साथ ही वहां लगा एक भारी भरकम पेड़ भी पूरी तरह नदी में समा गया। बुलंदशहर में गंगा नदी में आए उफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लगातार नदी में पानी बढ़ने की वजह से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए, जबकि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई। उधर मुंबई में भारी बारिश के बीच कई इलाकों की सूरत बिगड़ गई है। वहां पर किंग सर्कल और साइंस सर्कल इलाके की कई सड़कें बारिश के पानी में पूरी तरह से डूब गए, और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर सैलाब बहता नजर आया, जिसकी वजह से उन पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखाई दिए और लोग घुटनों तक भरे पानी में चलने को मजबूर नजर आए। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी, और जिन जगहों में सबसे ज्यादा बारिश की आशंका जताई गई उनमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग शामिल है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद इन जिलों के स्कूलों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई। यूपी के मुरादाबाद में कुछ लड़कों का पुल से नदी में छलांग लगाने वाला एक वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन सख्त हो गया और उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी। क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़के रामगंगा नदी के ऊपर बने पुल से पानी में छलांग लगाते नजर आए, जिन्हें देखकर वहां खड़ा एक बच्चा भी उस नदी में कूद गया। इस दौरान वहां और भी बच्चे मौजूद थे जो उन्हें देख रहे थे। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वो नदी खतरे के निशान के करीब बहने लगी। ऐसे में प्रशासन की ओर से नदी के किनारे न जाने की अपील की गई, लेकिन इसके बावजूद कुछ लड़के उस नदी में स्टंट करते दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उन लड़कों की तलाश में जुट गई, साथ ही उस पुल की भी निगरानी बढ़ा दी गई जहां वो लड़के जानलेवा स्टंट कर रहे थे।